मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है ये, और गृह जिला होने के बावजूद अगर इस तरीके की घटना उन्हीं के गृह जिले में आती है, जहां पे संभवतः माना जाता है कि भैया शासन प्रशासन तंत्र बहुत मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने गृह जिला को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते होंगे, पर उसके बावजूद अगर वहां से ऐसी खबरें आती हैं तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जहरीली शराब का निर्माण का जो धंधा है वो अपनी जड़ों को कितना मजबूत कर चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग बार बार आग्रह करते रहे हैं कि जब तक आप किसी मृतक परिवार से आप मिलिएगा नहीं, जहाँ पे ये घटना घटी है उनके पास आप जाइएगा नहीं, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि भैया ये धंधा कैसे चल रहा है। हम लोग जब जाते हैं तो वो लोग बताता है कि भैया किस तरीके से अब हर जिले में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, प्रखंड में नहीं, हर पंचायत स्तर पर इस तरीके से जहरीली शराब के निर्माण का कार्य शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे होने लगा है, पर उसके बावजूद भी अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये अपने में दर्शाता है कि पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है शासन प्रशासन के लोगों का। और इस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बंद कमरे में एयर कंडीशन कमरे में खड़े होकर शपथ तो दिलवाते हैं, पर किसी एक मृतक परिवार से जाकर आज तक इतनी मौतें हो गई हैं, चंपारण से लेकर, गोपालगंज से लेकर, मुजफ्फरपुर से लेकर, नालंदा से लेकर, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु नहीं हुई हो? और एक मृतक परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। भाई जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे कि धंधा कैसे चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि अब तो आपके गृह जिले में ये घटना घटी है, कम से कम आप जाइए, मृतक परिवारों से आप मिलिए, समझिए कि ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है, और अगर उसके बाद अगर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आपके इस कानून की विफलता का भुगतान निर्दोषों को करना पड़ा अपनी जान गवा के। देखिए शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन, वापसी का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से कहा कि भैया ये कानून सही है, और ख़ास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहाँ पे सही बुरे की परख करने में लोगों को समस्या आती है, ऐसे में ज़रूरी है कि भैया शराबबंदी कानून यहाँ पर लागू हो। पर शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरीके से निर्दोषों को प्रताड़ित किया जाता है, बेगुनाहों को बिना मतलब इस कानून की आड़ में पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उसका हम लोग भी विरोध करते हैं। जिस तरीके से शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरीके से अवैध शराब के, जहरीली शराब के निर्माण का कार्य होता है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जिस तरीके से आयात होता है अवैध शर्मान के शराब का, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और जिस तरीके से तस्करों को इन्होंने खड़ा कर दिया है, एक पैरेलल इकोनॉमी लाकर इन्होंने बिहार में खड़ी कर दी है, जो कि पैरेलल इकोनॉमी पूरी तरीके से शराब के धंधे को उसी सुचारू रूप से चला रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध करते हैं।